बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। पहले के मुकाबले भले ही बीजेपी को अपने दम पर इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिली हो, लेकिन बीजेपी के तेवर वही हैं जो पहले की सरकारों में दिखा है। पीएम मोदी नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन सरकार या सरकार में बन रहे मंत्री नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। जेपी नड्डा ने जब से मंत्री पद की शपथ ली है, तब से तमाम मीडिया हाउस और लोगों में उत्सुकता है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पहले बताया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान या फिर धर्मेंद्र प्रधान में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बीजेपी के इन दोनों नेताओं ने भी राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष की रेस में इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। सुनील बंसल और विनोद तावड़े का भी नाम बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जोर शोर से लिया जा रहा है। दोनों महासचिव हैं और सांगठनिक तौर पर काफी कामयाब माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी की परंपरा रही है कि वो अपने फैसलों से हर बार सबको चौंकाती है, इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं दोनों नेताओं में से कोई एक होगा। बीजेपी की चौंकाने वाली आदत क्या बीजेपी को पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष देने जा रही है? कई जानकार इस तर्क पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी। पिछले साल बीजेपी ने संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया था। बंगाल में बीजेपी को मिली लोकसभा सीटों में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। बंगाल में बीजेपी हमेशा से महिलाओं के लिए संघर्ष करती दिखी है, खासकर संदेश खाली मुद्दे को राष्ट्र मुद्दा बनाकर ममता के खिलाफ माहौल बनाना बीजेपी की एक कामयाब रणनीति मानी गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को बंगाल में हुआ भी। ऐसा ही प्रयोग बीजेपी ने पूरे देश में किया, महिलाओं की बात की, महिलाओं के मुद्दे उठाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो अब तक बीजेपी में कोई महिला संगठन के सबसे बड़े पद तक नहीं पहुंची है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा दाव खेल सकती है। अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है और पहले ये कहा जा रहा था कि ईरानी मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि स्मृति ईरानी को बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद दे सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बाकी नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर की भी चर्चा हो रही है, या फिर हमेशा की तरह बीजेपी एक ऐसे नाम की घोषणा करेगी जो चर्चाओं से भी दूर है। मुमकिन है कि वो नाम किसी महिला का हो। लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो महिला वोटरों ने बीजेपी को जमकर वोट किया है। साल 2009 में 55.8% महिलाओं ने वोट किया था और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 60.36 था, लेकिन इस चुनाव में 312 मिलियन महिलाओं ने वोट किया है और लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 66% है। ये अलग बात है कि ना तो बीजेपी का कोई नेता है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी इस बारे में कुछ बोल रहा है, लेकिन लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए अगर बीजेपी को पहली राष्ट्र महिला अध्यक्ष मिल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।